डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला की पुण्यतिथि। 18 सितंबर को प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, वकील और शिक्षाविद जस्टिस एम हिदायतुल्ला की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जस्टिस एम हिदायतुल्ला का पूरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्ला था। इनका जन्म 17 सितंबर 1905 को तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार के बैतुल में हुआ था। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई थे। इन्हें जुलाई 1930 में नागपुर में मध्य प्रांत और बराबर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। 1954 से 1956 तक ये नागपुर हाईकोर्ट के और 1956 से 1958 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इन्हें दिसंबर 1958 में सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। 25 फरवरी 1968 को यह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बने और दिसंबर 1970 तक इस पद पर बने रहे। उस समय वह सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल यानी किसी उच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के न्यायाधीश थे। इन्होंने दो बार यानी 1969 और 1982 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार भी संभाला। 1979 से 1984 तक ये देश के उपराष्ट्रपति रहे और 18 सितंबर 1992 को इनका निधन हो गया। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं पर। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द जुडिशियल प्रोसेस, द साउथ वेस्ट अफ्रीका केस एंड अ जज्स मिसेसिलेनी आदि। इन्हें मिले पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो इन्हें मिल चुका है 1946 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, 1970 में ऑर्डर ऑफ यूगोस्लो फ्लैग विथ शाश और 1971 में नाइट ऑफ मार्क ट्वेन आदि।